ये बैक टू बैक कॉल करेगा तुम्हें। वो ही तो अभी स्विच ऑफ है। कुछ समय पश्चात प्रयास। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ समरीन और मैं हूँ मैजबीन। तो आज हम दोनों करने वाले हैं हॉन्टेड कॉल। तो हम लोग भूतों को कॉल करेंगे और वैलेंटाइंस के दिन। हाँ, और हमने पहले भी भूतों को कॉल किया है और कुछ भूतों ने तो कॉल भी उठा ली, वो आप लोगों ने देखा ही होगा। लेकिन आज के लिए मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ क्योंकि आज जिस नंबर पे हम कॉल करने वाले हैं वो हमने पिछली बार ही नहीं किया था क्योंकि हम लोग बहुत डरे हुए थे उस टाइम पे। तो हम लोगों ने सोचा कि यार अभी इतने वाले उस पर नहीं करेंगे क्योंकि इन नंबर्स में जो है ना ऐसी बातें लिखी है जो सोचकर ही आप, मतलब कुछ में लिखा हुआ है कि आपको कॉल करते फिर आप ना 2 दिन बाद आपकी डेथ हो जाएगी, मतलब इस टाइप की कुछ। तो हम लोग इतना किया नहीं था लेकिन फिर लोगों ने सोचा चलो एक आई करते हैं हम लोग। हाँ, क्योंकि वो पहले वाले नंबर्स तो हम लोगों ने सारे कर लिए लेकिन अभी ये जो है ये सब न्यू है। अभी मैं आज बहुत डरी हुई हूँ क्योंकि यार ये एक ऐसा चैलेंज जिसमें मुझे डर लगता है बहुत, और ये बहुत ही मुश्किल से मानी है इस चैलेंज को करने के लिए, मतलब कॉल्स करने के लिए, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे आज अपने नंबर से कॉल करनी है। रात भर परेशान करेंगे भूत मुझे। तो चलो हम भूतों को कॉल करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि अभी नंबर क्या है। फर्स्ट नंबर हम लोग जा रहे हैं अभी डायल करने और यार सच में बहुत ज्यादा डर लग रहा है मुझे खुद यार। तो अभी जिस नंबर पे हम कॉल करने वाले हैं उस नंबर पे कॉल करने के बाद हमें कुछ अजीब सी आवाज आएगी और वो कुछ डरावनी आवाज होगी और फिर कॉल कट होने के बाद हमारे पास उसी नंबर से कोई वॉइस नोट आएगा और जिस नंबर से हमने डायल किया उस पे ही आएगा और जो कि बहुत ही स्कैरी होगा और पता नहीं वॉइस नोट में क्या होगा हमारे। वही तो यार, देखना ये है कि क्या ये सच में होता है या नहीं ऐसा, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी ये वाला नंबर हमने देखा था तो हमें बहुत ज्यादा डर लगा था, हमने किया नहीं। लेकिन क्या सच होता क्या नहीं ये तो हमें तभी पता चल गया था जब लास्ट वीडियो जो हमने की थी उसमें तो कॉल उठा लिया था। इसका मतलब कैसे उठा लिया यार, इसका मतलब ऐसे भूत होते हैं। फर्स्ट नंबर है 088 4 टाइम्स 8 और 888। ओ माय गॉड बहुत डर लग रहा है मम्मा। क्या देखती है पीछे, जल्दी करो। आज मैं लाइट्स ऑफ करके नहीं सोऊंगी। डायल किया गया नंबर अमान्य है, कृपया डायल किए गए नंबर की जांच कर लें। ओके, तो हमने मतलब ऐसा होता है लेकिन फिर बाद में हो जाता है तो हाँ, 2-3 बार करते हैं। डायल किया गया नंबर अमान्य है, कृपया डायल किए गए नंबर की। यार इस बार है सांस में सांस आई अब सच में बहुत डर लग रहा है। हाँ, पता नहीं ऐसा क्यों फील आ रहा है कि कॉल उठा लेगा कोई भी। तो ये वाला नंबर तो अमान्य निकला, बच गए हम, हमें वॉइस नोट नहीं मिला। हाँ यार सच में बच गए, मैं चाहती भी नहीं थी कि वो कोई उठाए कॉल। सोचो अगर कोई उठाता कॉल और हमें वॉइस नोट मिलती तो। नहीं पैर पे माइक आया यार सच में मेरा पागल हो क्या, तुम ऐसे क्यों कर रही हो, तुम ऐसे क्यों, डर लगने लगा ना, तुम ऐसे क्यों करती हो यार, तुम भी डरा रही हो। तो ये जो नंबर था इस पे कॉल नहीं लगी और ये अमान्य था। चलो फिर देखते हैं, अब हम नेक्स्ट नंबर ट्राई करते हैं। नेक्स्ट मैं ट्राई करूंगी, ठीक है। तो अभी जो हम नेक्स्ट नंबर करने वाले हैं वो भी हॉन्टेड नंबर है, कर्स नंबर है। तो ये वाला जो नंबर है वो नंबर है कैलिफोर्निया का, इस पे लिखा हुआ है और अगर हम इसको डायल करेंगे तो उधर से हमें कोई मरे हुए इंसान की आवाज आएगी और वो हमसे बोलेगा कि आपका स्वागत है कैलिफोर्निया में और आप हमें अपना डेट टाइम और लोकेशन बताओ। वो मतलब वो हमसे पूछे। हाँ, क्योंकि वो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन लेगा और वो हमें बोलेगा कि वहाँ से वो हमें लोकेशन हमें छोड़ना है। वो हमें कहेगा कि जहाँ पर हम हैं वहाँ से हमें लोकेशन छोड़कर कहीं और जाना है, यहाँ पर मत रहो। उसको कहने का ये मतलब तो नहीं होगा कि जिस लोकेशन वो अपने लोकेशन में लाना चाहता हो सकता है, इसलिए या फिर वो डेट टाइम लोकेशन इसे इतनी मांग कि वो लेने आए तुम्हें वहाँ पे। तो तुम्हें बताने की क्या जरूरत है भाई, छोड़ो यार वो भूत है, वो कुछ भी कर सकता है। एक तो मेरा पैर नीचे और चेयर के नीचे, यही तो मुझे डर लग रहा है यार। सबने अपने पैर को यूं कि आना है तो आ ले जाओ। चलो मैं करती हूँ अभी कॉल, ठीक है। चलो नंबर डायल करो 951 572 2602। मुझे नहीं करना ये। आप लोगों ने यार क्या हुआ ये, जब ये बोला ना इतनी बड़ी बेवकूफ उसको लगाकर तुम पीछे फेंकने वाली थी, कट नहीं कर सकती थी। कट इसलिए नहीं क्योंकि मुझे सुनना था कि क्या अगर उसने उठा लिया तो क्या बोलेगा, फिर मैं काट। टाइम लोकेशन पूछने वाला नंबर तुम्हारे पास आ जाए, कॉल बैक ना करे। रुक जाओ, ब्लॉक भी तो करना है सबको। फिर से लगा दी थी यार। ये वाला नंबर, इस पे रिंग हुई यार, यकीन नहीं हो रहा मुझे यार। मुझे तो लगा था कि ये सब फेक होते हैं, फेक होते हैं। लास्ट टाइम नहीं लगा था फेक होते हैं, मतलब कि कुछ लोग कुछ तो अमान्य होते हैं ना, कुछ तो नहीं लग पाते हैं। मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो रही है सच में, मुझे बहुत डर लग रहा है पीछे से यार, क्या होगा। अल्लाह बस कॉल ना आए वापस तुम्हारे। मैंने ब्लॉक कर दिया है, वो न्यू नंबर से ना करे। चलो चलो तो हम अब नेक्स्ट, ये वाला बहुत ज्यादा, इसमें बहुत ज्यादा डर लगा। मैं सोऊंगी कैसे पता नहीं आज, हर बार मैं यही बोलती हूँ। अगर किसी भी ना हॉन्टेड नंबर पे अगर वो मतलब कॉल रिसीव हो जाती है या उस टाइम पे दिमागी काम नहीं करते, क्या करे, कट करे नहीं करे। यही तो मेरे साथ अभी हो रहा था कि उधर जाओ या इधर जाओ, बेड पे फोन अपना। चलो फिर अब देखते हैं हम थर्ड नंबर क्या है हमारा, उसको देखते हैं। वो भी ना हो जाए कहीं पे रिंग। अल्लाह का शुक्र रिंग हुई, बस उठाया नहीं, उठा लेता तो। उठाने से पहले मैंने कर दिया, मुझे लगा था उठा ही लेता। अब हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं, ये हमारा थर्ड नंबर है। और तो अभी जो हमारे पास नंबर है, इससे स्कैरी मुझे अभी तक कुछ भी नहीं लगा है, क्योंकि इसमें जो बात लिखी है ना वो मैं देखकर होश में नहीं हूँ। क्योंकि इसमें लिखा है कि जब हम इस पे कॉल करेंगे तो इसके 2 डेज बाद हमारी डेथ हो जाएगी, जिसके फ़ोन नंबर से भी ये कॉल हो रहा है उसकी। और जब हम ये कॉल करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी कॉल्स इसकी आती रहेंगी। हाँ, मतलब कि वो हमें परेशान मतलब करता रहेगा बार बार उसकी। यार अगर हम कट कर देंगे तो बार बार उसकी कॉल आती रहेगी। तो देखते हैं ब्लॉक करने के बाद भी आती है नहीं। मैं अपने फोन से कर रही हूँ यार। नंबर है 30875628289 0। चलो यार डायल करो। क्या हो रहा है? ये जितने भी नंबर्स हमने लास्ट टाइम नहीं ट्राई किया था वो नंबर्स, वो सारे नंबर्स चल रहे हैं। बस वो फर्स्ट वाला नहीं हुआ, लेकिन ये दोनों जो भी है यार डरा दिया यार मुझे। मैंने क्यों किया ये वीडियो, मैं कर क्यों रही हूँ यार। इसको कॉल भी लग गई यार, और ये बैक टू बैक कॉल करेगा तुम्हें। वही तो अपने ब्लॉक करती जाओ यार। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इस पे लगेगा ये वाला नंबर, जैसा जिस हिसाब से है ये वाला। बिल्कुल नहीं, मुझे भी नहीं लगा था कि ये ऐसे ही होगा। लेकिन यार मैं ब्लॉक तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ब्लॉक होने के बाद भी अगर इसकी कॉल आई ना तो मैं सच में बंद करवाना होगा नंबर। तो जब मैं ज़्यादा डरती हूँ ना तो मैं ज़्यादा हंसने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ। मुझे जब डर लगता है तो मैं चिल्लाती हूँ और ऐसे दिखाती हूँ मेरे साथ कोई है। मतलब अगर मैं कहीं पर अकेली हूँ, मुझे डर लगा किसी रूम में, तो मैं यही करती हूँ ऐसे करने, मतलब खुद को मतलब ऐसा दिखाना कि मेरे साथ कोई है। ऐसा बहुत लोग करते होंगे। और मैं अभी यहाँ सीधी देख रही हूँ तो मेरी मिरर में मेरा बालकनी दिख रहा है और मुझे बहुत अजीब लग रहा है। हट जाओ यार, वो मत करो ऐसे। नेक्स्ट कॉल करो, चलो तुम भी भूत ही हो एक। मैं अपना दिल बहला रही हूँ, सारे डरावने डरावने नंबर से सब पे लगे जा रहा है कॉल। क्या कर सकते हैं, ये पता नहीं आज ये लोग सारे एक्टिव है वैलेंटाइंस डे वाले दिन। सारे कर क्या रहे हैं ये सारे भूत और भूत। मजाक मत उड़ाओ, क्या पता बुरा लग जाए लोगों को। मैं थोड़ी सी आगे हो जाती हूँ। मैं मुझे देख लो कहाँ बैठी हूँ मैं पूरी चेयर चोर कितनी जगह पे बैठी हूँ ताकि जब कोई आए तो मैं भाग सकूँ जल्दी से। अब नेक्स्ट कॉल करके देखते हैं। और पता है मैं अंदर से ये दुआ करती हूँ या अल्लाह ये नंबर डाला। हाँ मैं भी बिल्कुल ऐसे कर देती हूँ, तो मुझे इतना डर लग रहा है। अभी है हमारा फोर्थ नंबर और फोन नंबर का नाम ही है डेथ। और इसकी स्टोरी ये है कि मुझे कुछ ठंड लगने लगी सुन के, कुछ चाहिए मुझे। तो इसमें एक मैन की वॉइस आएगी और बहुत ही अजीब सी स्केरी वॉइस होगी, और वो हमें कुछ मतलब ऐसी लैंग्वेज में वो बोलेगा जो हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन उस लैंग्वेज का जो मतलब होगा उसका मतलब होगा डेथ। ये सारे नंबर ऐसे क्यों आ रहे हैं यार, ये सारे तो इनमें एक ही बात है डेथ डेथ डेथ, और हमें यही आवाज़ सुनाई देगी। नंबर है हमारा 828756 75601 और 09। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास। ये नंबर मतलब चलता है। मुझे जाना है यहाँ से, और ये स्विच ऑफ है। नहीं मुझे जाना, मैं नहीं करूँगी अब कॉल वॉल, मुझे नहीं करना। और इस नंबर का नाम है डेथ। यार मुझे तो हार्ट बीट तेज हो रही है, मुझे पानी चाहिए। पीछे से पता नहीं क्यों आवाज आ रही है अजीब अजीब। मैं नहीं सोऊंगी आज अपने रूम में। तो ये धमधम करे जा रही है। धमधम नहीं करेगी क्योंकि मैं बिल्कुल यहाँ पे बैठी हूँ ना, तो बार बार गिर रही हूँ। अभी ब्लॉक तो कर। अल्लाह इंडिया का इंडिया का केस है ये नंबर इंडिया का दिखा रहा है। जिसके पास भी गया है ना मुझे बहुत गूज बम्स आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है मतलब कुछ हो रहा है। मैं तेरी खुशी से क्यों बोल रही हूँ? अल्लाह क्या है यार, क्या है? क्यों डरा रही हो? इसको क्यों रख रही हो तुम नीचे? अचानक से बोलती हो फिर अल्लाह ये क्या है, ऐसा कुछ चुरा रहा है, ऐसे देख रही है तुम्हें। यार ये सच में मुझे भी डरा रही है, खुद भी डर रही है बहुत ज्यादा। मैं अपने आप को कोशिश करूँ कि मैं आराम से रहूँ। तुम यहाँ पर ऐसे रख रही हो सामान जो मेरे पैर पे लग रहा है, बिल्कुल मुझे लग रहा है मुझे कुछ टच कर रहा है। यार मैंने अभी बहुत अजीब चीज़ देखी, ये मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है नंबर्स का, यहाँ पे देखो अपने फ़ोन में। तो ये ना यहाँ पे ना एक पिक्चर है, ये ना ऐसे हो रहा था, ऐसे ऐसे ब्लिंक हो रही थी। सच में कसम यार मैं इतनी देर से ही देख रही थी बार बार ऐसे करके। यार मैं इस वाले नंबर पे नहीं करूँगी सॉरी, क्योंकि ये जब है ना मेरी स्क्रीनशॉट पे मतलब वो ना ऐसे गोल साइज की प्रोफाइल पिक्चर है, तो वो मतलब वो चल रहा है, मतलब वो वीडियो की तरह हो रहा है। यार हटाओ ना, वो भूत है वो, मतलब हाँ वीडियो की तरह, वीडियो की तरह। अब ये सोच लो कि स्क्रीनशॉट कैसे जाएगा, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कैसे हुआ ये, पता नहीं मुझे धोखा हुआ या फिर पता नहीं। धोखा तो नहीं हो सकता यार, स्क्रीनशॉट कभी चलती नहीं है। यार हटाओ ना, अभी क्यों इसको इतना बोल रही हो, चलो खत्म करो। मैं इस पे तो नहीं करूँगी, इसको स्किप करते हैं हम लोग। हाँ दूसरे पे करते हैं। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट नंबर है, इस पे कॉल करने के बाद हमें ऐसी आवाज़ आएगी जैसे वाटरफॉल हो रही हो या कुछ पानी गिर रहा हो नीचे, और इसमें इको साउंड होगी बहुत ज्यादा, मतलब इतना तेज होगा जो हमें आएगी आवाज़ बिल्कुल क्लियर। तो देखते हैं वाला नंबर डाल, शायद कहीं ऐसा नंबर हो, ये जो भी कोई जिसका भी है वो शायद जंगल के पास रहता है या किसी पानी लेक के पास रह रहा है। छोड़ो यार अभी मत बोलो ये सब चीज़ें, मेरा तो अभी डायल करने का भी दिल नहीं कर रहा है। मेरा खुद नहीं कर रहा, मुझे पता है बहुत सर में दर्द हो रहा है अभी। आजा लेक, क्या कर रही हो यार समरीन, क्या हो गया, क्यों कर रही हो पीछे, खुद हो रहा है वो। चल नंबर दो, 2073015797। मैं थोड़ी सी आगे आ गई हूँ। डायल किया गया नंबर अमान्य है, कृपया डायल किए गए नंबर की। लेकिन मैं इस पे एक दो बार, पुणे महाराष्ट्र क्या है यार ये 20 वाला नंबर कैसे हो गया इंडिया का? ये मेरे पास ऐसा क्यों दिखा रहा है इंडिया में का? क्या ऐसा तो नहीं कि जहाँ का भी नंबर होगा वहाँ की लोकेशन कर लेगा? अल्लाह ब्लॉक करो उसको यार, ये मैं मेरा फोन में फेंक दूंगी अब इसको। पता नहीं यार ये इंडिया का नंबर तो वैसे है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये पता नहीं मेरे पास पुणे महाराष्ट्र क्यों आ रहा है। तो अभी जो हम नंबर डायल करने वाले हैं, कैमरा क्यों अगर वो फोकस कर यार सही डरा मत, सच में मेरी हालत खराब हो रही है यार। अरे वो लोग हमें देख रहे हैं। ला अब जो भी हम कॉल करें वो प्लीज ना उठाए। और तो ये वाला जो नंबर है वो कर्स नंबर है, और ये हमें बोलेगा, और ये जो नंबर है ये हमें 24 घंटे के अंदर डायल करने के बाद हमारी डेथ हो जाएगी, हमें मार देगा। मतलब इस पे लिखा हुआ है कि ये नंबर आपको किल करेगा। यार करके देखते हैं। यार मुझे बहुत डर लग रहा है यार, मैं अब कभी नहीं करूंगी, तुम्हारी वजह से मुझे करना पड़ रहा है। और ये 32 सेकंड तक बताओ, नंबर बताओ यार जल्दी से। चलो वैधता जल्द ही समाप्त हो जाएगी। बिना रुकावट सेवाओं का आनंद लेने के लिए तुरंत रिचार्ज करें। यहाँ पे रख है, उठाना नहीं है। एक्सपायरिंग सून, रिचार्ज इमीडिएटली टू एंजॉय अनइंटरप्टेड सर्विसेज। मुझे नहीं करना, ये नहीं करना मुझे, इसको ब्लॉक तो कर पागल। एक घंटी लग गई है इसपे, समझ रही हो, ये कॉल लग गई है इसपे। ये बोली चलो करते हैं, अभी तो तुम्हारी बिल्कुल हवा निकल रही थी। नहीं करना मुझे, नहीं देखना। अल्लाह तौबा अल्लाह तौबा अल्लाह, क्या यार। बस आप लोगों ने देख लेना, रिंग हो गई तो इसका अंदर रिंग हो गई तो उठाएगा भी और बात भी करेगा। और मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाली इसको कॉल, मैंने ब्लॉक भी कर दिया है। और आप लोगों ने इसकी स्टोरी देखी कि ये उठाने के बाद 24 घंटे के अंदर ये हमें नंबर किल करेगा, मतलब वो हमें बोलेगा। नहीं यार अल्लाह ना करे ऐसा हो, मैं इन सब पे तो यकीन नहीं करती, लेकिन यार जो लिखा है वो पता नहीं। अब ये हमारा लास्ट नंबर था, मैं नहीं करूंगी इसके बाद से कॉल। अभी तक वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा है कि इस पे रिंग हो गई है। यार मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, सर में सोच के मेरे दिल में दर्द हो रहा है यार। तो ये हमारा लास्ट नंबर था, अभी नहीं करना मुझे, मेरे भी नहीं होगा। मैं सच बता रही हूँ, कसम से बता रही हूँ। मेरे पता है यहाँ पे बहुत अजीब सा हो रहा है वो, और मुझे खुद हो रहा है अजीब सा। तो मेरे यहाँ पे ना दिल में बहुत ज्यादा हार्ट बीट इतनी तेज आती है, मुझे अजीब सा। हाँ तो वो होता है सबके साथ ही डर लगने पे, क्योंकि मुझे खुद अंदर से फील हो रहा है कि डर लग रहा है बहुत ज्यादा। इससे पहले जो है मतलब ट्राई करने से पहले समरीन ने मुझसे बोला था यार नहीं करना नहीं करना, मैंने मना किया था कि यार मैं नहीं करूँगी, मुझे डर लग जाता है, फिर क्या करना, फायदा ही क्या है इन नंबर्स पे कॉल करके। रात को तो बड़ी अच्छी नींद आई। प्यारे प्यारे। मैं अकेली सोंगी नहीं। तो आप लोग तो बिल्कुल भी ट्राई मत करना यार, बड़े ही मतलब अजीब अजीब से नंबर है, उस पर रिंग हो जाती है, ऊपर से हमारा पर्सनल नंबर चला जाता है। यही तो गलत बात है और हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए ये, क्योंकि ये कर कर हमारे क्या फ़ायदा। ये तो हम लोगों ने सिर्फ ऐसा चैलेंज किया, लेकिन आप लोग बिल्कुल मत करना। पर मुझे लगा था कि इसमें से कोई भी नंबर नहीं लगेगा, लेकिन आज तो भाई हद हो गई है बिल्कुल। दो नंबर सिर्फ निकले होंगे अमान ने, बाकी सब पे लग गई कॉल। ये तो मतलब ये वो नंबर्स थे जो हम पहले नहीं कर रहे थे डर की वजह से। एक तो अजीब सी आवाज भी आ रही थी अल्लाह। और सबसे बड़ी बात तो ये कि मैंने अपना ही नंबर दे दिया उन लोगों को, सारे भूतों। अब हम कोई भी कॉल नहीं करेंगे। आप लोग सोच रहे हैं कि हमें ये वाली रिंग हो रही थी तो हमें फोन उठाना देता नहीं यार, नहीं यार अभी जो हमारे पास डर लगने लगा था यार, मैंने कट कर दिया। मैं ऐसे ही फोन रखती हूँ, मुझे लगता है कि कुछ भी बोलने लगेगा, पता चल जाता है कि रिंग होने वाली है। तो बस यही थे यार कुछ हॉन्टेड नंबर्स, और अब मैं हॉन्टेड कॉल्स नहीं करने वाली हूँ, बिल्कुल नहीं, मुझसे नहीं होगा। बहुत डर लगता है। आप लोग भी सोच रहे हो इतना क्यों डर रही, लेकिन यार मेरी जगह पे अगर आप होते ना तो आपको भी डर लगता। अभी तो यहीं पर खत्म होती है वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब के पास वाले बेल बटन को भी आप क्लिक कर दीजिए, ताकि समरीन की जब भी नई वीडियो आएगी आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और आप लोगों ने हमारे 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स कर दिए हैं, तो उसके लिए भी बहुत बहुत सारा थैंक यू आप सभी को। और अगर अभी तक आप लोग हमें इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते तो जल्दी से जाकर फॉलो करिए, आपको आईडी स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो वहाँ पे हम लोग बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, हम लोग अपनी ओरिजिनल साउंड्स बनाते हैं, और आप लोग देखना जाकर। तो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।